कड़म के अंदर में करीब 10 से 12 दिन पे हड़ताल को कर दी कि साहब हमारा वेतन भुगतान दो। तो वेतन जब हड़तालें करी गई तो इनकी वेतन वृद्धि की बात कमिश्नर और मेयर साहब से मुलाकात हुई किशनगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठेका जब होगा हम फिलहाल 125 कर्मचारी लगाएंगे। तो सब जब 400 कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं तो बाकी 250 कर्मचारी कहाँ जाएंगे। किशनगढ़ नगर परिषद में 3 माह का वेतन नहीं मिलने से सफाई मजदूरों में आक्रोश। जिला कलेक्टर अजमेर, विधायक किशनगढ़, SDM किशनगढ़ और आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा किशनगढ़ में सफाई के लिए जारी किए गए टेंडर के मुताबिक ठेकेदार द्वारा 400 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पर लगाया गया था, जिन्हें 3 माह पूर्व बिना वेतन भुगतान किए हटा दिया गया। इसके बाद जब कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की तब किशनगढ़ नगर परिषद द्वारा 125 सफाई कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए, लेकिन बाकी के 250 कर्मचारियों का क्या होगा इस बारे में कोई दिशा निर्देश प्रदान नहीं किए गए। इससे आहत सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को अजमेर जिला कलेक्टर, SDM किशनगढ़, विधायक किशनगढ़ और आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्त कर्मचारियों को वापस से काम पर रखने और बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की है। सर ज्ञापन अजमेर जिला किशनगढ़, 400 अस्थायी सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय अजमेर में आए। सर करीब करीब विगत तीन महीने से अजमेर शहर किशनगढ़ के अंदर में 400 अस्थायी सफाई कर्मचारी काम करते हैं और ठेकेदार के निविदा पे काम कर रहे थे, पर ठेकेदार के द्वारा ठेका फरवरी मार्च में जब उसका कैंसिल होता है और नया ठेका दे दिया जाता है तो पुराने ठेके का विगत 3 महीने का पेमेंट मांगने पर का तो ठेकेदार के द्वारा हाथ कर दिया खड़ा कर दिया गया जाता है। जब वहाँ के कमिश्नर और मेयर साहब से इन्होंने सफाई कर्मचारियों के दल ने बात करी तो उन्होंने ठेकेदार पे बात कर दी कि साहब हमने भुगतान ठेकेदार को दे दिया। समस्या ये है कि ठेकेदार लोकल नहीं है, बाहर का है, तो ये स्थायी सफाई कर्मचारी किस ठेकेदार को पकड़े और किससे ये बात करे। बात करने पे सुनिश्चित तरीके से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इन अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने किशनगढ़ के अंदर में करीब 10 से 12 दिन पे हड़ताल को कर दी कि साहब हमारा वेतन भुगतान दो। तो वेतन जब हड़तालें करी गई तो इनकी वेतन वृद्धि की बात कमिश्नर और मेयर साहब से मुलाकात हुई किशनगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठेका जब होगा हम फिलहाल 125 कर्मचारी लगाएंगे। तो सब जब 400 कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं तो बाकी 250 कर्मचारी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे इस तपती हुई गर्मी में, बेरोजगार करके उनके ठेकेदार, कमिश्नर और सभापति जी को क्या मिलेगा। तो इनकी ये मांग है कि अगर अस्थायी पे भी कर्मचारी को लगाया जाए तो 400 कर्मचारी को लगाया जाए और जो पुनः भुगतान तीन महीने का पड़ा है वो उनको दिला जाए, इनका जो PF का पैसा है वो उनको दिला जाए। इस मांग का ज्ञापन लेके अजमेर शहर कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं।